हेलो फ्रेंड्स सोनाज कटी चैनल में आप सबका स्वागत है आज आपके साथ शेयर करेंगे इसकेट पड़ते डिजाइन का नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं आप लोग हमने आपके साथ इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड इसमें फर्स्ट और सेकंड शेयर किया है जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हमने इसमें टोरन पट्टी सेकंड में इसको ये पूरा पफ बनाना ये थर्ड पार्ट है इसकी ठीक है देख सकते हैं हमने इतना इसको बना करके कम्प्लीट कर लिया है ये देखिए इस टाइप की झालरी इसमें हम बना रहे हैं ये देखिए है ना बहुत ही ईजी है और कई बार हमने चैनल पे वीडियोस भी अपलोड की हैं इस पर की तो वहाँ से भी देख के बना सकते हैं और फिर हम इस चैनल पे मतलब इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं तो यहाँ से भी आप देख करके इजिली बना सकते हैं तो देखिए यहाँ पे हम बना ही रहे थे ठीक है अभी वन बन बनाया टू, है टू सेकेंड वाला बनाने हैं तो बताते हैं बना करके कैसे बनाना है ठीक है और देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो हमारा जिसे हमने बताया था ना गलत हो गया था सिक्स का बना था देखिए आपको हम पूरा टोटल काउंट करके दिखाते हैं सारा हमने सेवन का बना लिया है क्योंकि हमने कहा था आपका कि सारा हमको सेवन का ही बनाना है देखिए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है अब यहाँ भी देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है एंड लास्ट ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यानी कि हमने सारा सेवन का बना लेना है और बना भी लिया है चलिए अब फिर देख लेते हैं कि किस तरीके झालरों को बनाना है और कितना कितना कितनी कितनी रखनी है दूरी और कितना झालर का हमको मतलब लेंथ भी रखना है और कितना हमने बनाना है इसको तो फ्रेंड्स बने रही वीडियो के एंड तक और चलिए फिर इसको बना करके देख लेते हैं देखिए इस टाइप में हमको इस झालरों को बना करके के कम्प्लीट करना है ठीक है देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर हमने देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन बनाया है फिर यहाँ पे देखिए नॉट लगा लेंगे इतनी दूरी पे लाते हुए यहाँ पे नॉट लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है फिर यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी दूरी पे लेके आना है फिर यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है फिर नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी दूरी पे लाना है फिर वन देखिए ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव सिक्स जितना रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं है और हम ऐट एट, एट का बना रहे हैं देखिए यहाँ पे धागा कट हो गया है तो नेक्स्ट हम धागा ये वाला यहाँ पे ज्वाइंट कर लेते हैं ठीक है तो ये नहीं हम ये वाला ज्वाइंट करेंगे देखिए यहाँ पे तो इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं कट गया है हमारा थ्रेड ये वाला यहाँ पर तो यहाँ पर ज्वाइंट करना है और इसी टाइप में कोई झालरें बना करके कंप्लीट करनी तो बनानी कितनी है फ्रेंड्स हमें फाइव झालरें बनानी है ठीक है तो यहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं झालर को बनाना देखिए इस तरीके से बनानी कितनी है हमें यहाँ पे हमको शायद नाइन्टीन एटीन बनानी है ठीक है देखिए वन साइड में एट वन साइड में एट अब देख लेते हैं एटीन की नाइन्टीन ऐसी बनाना है अभी देखते हैं अभी काउंट हमने किया नहीं है फिलहाल अभी काउंट करके आपको दिखा देते हैं तो इस तरीके से देखिए ठीक है बहुत ही इजी है इसको बनाना फ्रेंड्स बहुत ही इजी है ना तो बहुत ही है इसको बनाना आप ट्राई ज़रूर करिएगा और देखिए कितना इजी इसको बनाना तो इस तरीके से फिर से देखिए इसी तरीके से धागे को ऐसे खींचते हुए जाना है अभी हम एक नेक्स्ट इसका जो काउंट करेंगे उसके बाद इसको काउंट करके हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे बनाना है ठीक है देखिए इसको काउंट करते हैं पहले देखिए वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन बनाया यार हमने ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन ठीक है वन लास्ट में एटीन बना लेते हैं तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव और इसको फिर ऐसे नॉट लगा देंगे देखिए इस तरीके से नॉट लगाएंगे और फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें यहाँ पे नॉट लगा लेना है देखिए इस तरीके से ठीक है फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक ये बना लिया हमने एक ये यानी कि दो बना लिया फिर यहाँ से इसी तरीके से धागे को फिर टाइट करके खींचना है और फिर पफ बना लेना है तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है फाइव बना लिया फिर थोड़ी दूरी पे इसी तरीके से सारे पफ बना लेते हैं तो फिर यहाँ से न्यू ईयर स्टार्ट किया है रो हमने देखिए यहाँ पे फिर वन ठीक है टू थ्री फोर फाइव तो फ्रेंड्स इसी तरीके से बनाना है समझ में आ गया होगा आपको फिर सारा ऐसे ही बना करके फिर दिखाते हैं और हम देख लेते हैं कितने देखिए यहाँ आपको हम दिखा दें काउंट करके कितना हमने बनाया है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है फाइव बनाए तो फाइव इधर भी बनेगा देख सकते हैं ये लास्ट वाली रो है इसकी तो हमने देखिए बना लिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ठीक है सिक्सटीन बनाना था तो देखिए थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन यानी कि सिक्सटीन बना लिया ठीक है एट एट सिक्सटीन अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है स्लिप स्टिच इस से इसमें यहाँ पे हमको स्टिच लगा देना है ये इस तरीके से और कैंची से धागे को हम कट कर देंगे ठीक है यहाँ पे देखिए हमने इसका फाइव राउंड कंप्लीट कर लिया है देख सकते हैं यहाँ पर धागे को कैसे निकाल देना है ये देखिए यहाँ पर नॉट लगा है तो इस धागे को हम थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे ये इस तरीके से यहाँ पे नॉट लगा हुआ है ठीक है तो इसको इस तरीके से निकाल देंगे देखिए आप दिखा दें आपको इस तरीके से ये देखिए दोनों साइड में इस तरीके से हमको बना लेना है देखिए फाइव बनाया हमने यहाँ इसको भी वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बना लिया इसको भी और इसे भी फाइव बनाया है तो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है दोनों साइड का हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इनकम्प्लीट है यानी कि हमें भी कितना बनाना है तो यहाँ तो पे बनाना है फर्स्ट फर्स्ट रो यहाँ से वन बनाना है टू थ्री है ना थ्री हमें और बनाना है यानी कि फाइव बनाने थे टोटल तो उसमें हम टू बना चुके हैं एंड ये देखिए अभी हमें इतना थ्री बनाना है अभी थ्री वन टू थ्री बनाना है ठीक है यहाँ पे फिर राउंड शेप बना करके ऐस झालों को निकालना है और यहाँ फिर और इसके लिए मैं पॉमपम फ्लावर हमने तैयार करके रखा हुआ है स्टिच करने के लिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे स्टिच करते हैं तो यहाँ 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 लास्ट पे इस तरीके से मैं सब में फ्ला, पम्पम फ्लावर स्टिच इस करने इसके लिए कि हम इसी कलर के थ्रेड का यूज़ करेंगे उसी से हम पम्पम फ्लावर स्टिच करेंगे ठीक है तो देख सकते हैं पूरा हमने यहाँ पे फ्रेंड्स बना करके कंप्लीट कर लिया है टोरन पट्टी देखिए कितनी यूनिक डिज़ाइन है कितनी प्यारी चैनल पे वीडियो अपलोड है वहाँ सब देख करके बना लीजिएगा समझ में आता है तो ठीक है नहीं समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट करिए तो मैं इसकी वीडियो स्टार्टिंग से फिर से बना करके चैनल पर अपलोड कर दूँगी बाकी ये देख रहे हैं आप अभी इसमें भी फ्रेंड्स इसको कंप्लीट करने के बाद इसमें भी बहुत वर्क करना है अभी हमें इसको राउंड शेप में यानी कि सारा ज्वाइंट करते हुए बुनते हुए जाना है इसको बहुत प्यारा सा यूनिक सा डिज़ाइन बना रहे हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को मिस मत करिएगा बिल्कुल भी पूरा फुल वीडियो देखिए आप लोग ठीक है और जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं और देखिए इसी तरीके से बनता हो जाएगा बहुत ही प्यारा सा गेट पर का डिज़ाइन बना रहे हैं और कम वूल में बनके ये तैयार तो भी हो जाता जाए बता दिया ये हमने बना लिया और ये झालर बना लिए सेम वही प्रोसेस इधर बना लेने हैं सारे और हमें फिर यहाँ पे बाद में आपको बताएंगे पम पम फ्लावर्स स्टिच करने हैं यहाँ पे और फिर इन्हीं झालरों से हमको इसको पूरा नीचे तक का इसको बनाना है और लरियाँ और लटकानी तो है तो यानी कि हैवी बनाएंगे आप इसको लाइट भी बना सकते हैं और हैवी भी तो फिर हम फिलहाल बाद में देखेंगे कि कैसे हमें क्या करना है पहले जितना हमें इनकम्प्लीट दिखता है वो हमको कम्प्लीट करना है ठीक है तो फ्रेंड्स देखा इसी तरीके से पूरा हमको कम्प्लीट करना है ठीक है तो बाकी हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे कैसे क्या करना है इतना तक आप कंप्लीट करिए साथ साथ हमारे और उसके बाद से फिर ये पूरा आप कंप्लीट करिएगा फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में पूरा आपको ये बता देंगे ठीक है ना तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट तो कर दीजिएगा प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू तो टाइम मिलती रहेगी तो फ्रेंड्स मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय